आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मधुबाला शो के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, दर्शनधामी के न्यू शो को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है इस टाइम पर। वहीं बात करें विवेन डिसना के पास कई सारे नए शोज़ के ऑफर जा रहे हैं, जिनमें से खबरें सामने आ रही हैं कि वो भी नए शो साइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से खबर सामने आ रही है तो वो भी कई सारे न्यू प्रोजेक्ट्स को साइन किए हुए हैं। सो इसमें से खबर निकल कर ये आ रही है कि भाई मधुबाला शो का सीज़न 2 बहुत ही जल्द आ सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। जिस तरह से आप जानते होंगे, मधुबाला सीज़न 2 को लेकर लंबे टाइम से खबर सामने आ रही है। इंतज़ार यही किया जा रहा था कि विवेन डिसना कब वापसी करने के लिए तैयार होंगे टीवी पर्दे पर। वहीं अचानक से प्लान कुछ ऐसा बना कि ये शो को डिले करना पड़ा, यानी सीज़न 2 को लेकर थोड़ा सा डिले करना पड़ा मेकर्स को। कहीं ना कहीं किसी बहुत सारे रीजन्स थे जिस वजह से शो को थोड़ा सा डिले किया गया था। सो फाइनली वहाँ पर सिर्फ तुम शो में वहाँ आगाज़ कर चुके थे विवेन डिसना, जिस वजह से अब वेट करना तो बनता ही था। फाइनली एक बार फिर से ऐसी खबर सामने आ रही है कि विवेन डिसना और दृश्यधामी की जोड़ी आपको देखने को मिल सकती है आरके और मधुबाला के कैरेक्टर से। यानी एक बार फिर से मधुबाला सीजन 2 में आप इस जोड़ी को देख पाएंगे। एक बार फिर से आपको एंटरटेन करने आ रही है जोड़ी। अब ये जोड़ी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर कुछ एपिसोड के जरिए नज़र आएगी या फिर प्रॉपर सीजन 2 यानी डेली शो के जरिए नज़र आएगी, ये तो देखना अब आने वाले टाइम में ही बनेगा। क्योंकि क्लियर कुछ भी नहीं है, जैसी कोई अपडेट सामने आती है आप लोगों तक ज़रूर से पहुंचेगी। जिस तरह से खबर सामने आ रही है भाई, उस खबरों की माने तो डेफिनेटली सीज़न 2 आने वाला है, पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। सो इसलिए कुछ भी 100% क्लियर कहना मुश्किल होगा। कितना एक्साइटेड हैं आप इस शो के सीज़न 2 को देखने के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दृश्यधामी की बात करें वेब सीरीज़ की, और वो ज़्यादा ध्यान दे रही थी अपने करियर को लेकर, और यही वजह है कि डेली शो में लंबे टाइम से ब्रेक लिए रखे हैं उन्होंने। और म्यूज़िक एल्बम की बात करें तो ज़्यादा म्यूजिक एल्बम पर भी ध्यान नहीं दे रही हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। और बता दें आपको, अब वेब सीरीज़ यानी OTT प्लेटफॉर्म पर वो कमबैक करने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि उनकी वेब सीरीज़ कभी ना कभी रिलीज़ होती ही रहती है कुछ टाइम के बाद। सो ऐसे में उम्मीद यही करी जा रही है, हो सकता है कि OTT प्लेटफॉर्म के जरिए आपको इस शो का सीज़न 2 देखने को मिले। कितना एक्साइटेड है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो फिर लाइक शेयर करना ना भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।